की बेटी ढोंग हुई थी उसको चार्ज लगा देता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ पूरी लद्दाख से रिलेटेड, ये देखिए पूरा सामान निकाल के रखा है, टेंट का, कैंपिंग का, सोने का, जागने का, गाड़ी पे लादने का, लगेज बांधने का, और आपको तोल के ही बताऊंगा कि आखिर कौन सी चीज़ का वेट क्या होता है। आपके दिमाग में जितने सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएंगे, और अगर कोई सवाल बच जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ आप मैसेज कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका अपना सोनू इंदौरी और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। फरवरी खत्म होने वाला है, लद्दाख का सीजन आने में सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं। आप सब भी तैयारी कर रहे होंगे, आप में से कुछ पहली बार जा रहे होंगे, कुछ बार बार जा चुके होंगे। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए एकदम फ्रेश नई सीरीज। जी हाँ, ये सीरीज रहेगी जिसमें आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे रिगार्डिंग टू लद्दाख स्पीति सर्किट। बहुत छोटे छोटे से व्लॉग बनाऊंगा मैं स्पेशल टॉपिक के ऊपर, और आपको उस रिलेटेड सारी जानकारी मैं इसमें दे दूंगा। मेरे पीछे लद्दाख का मैप हमेशा मेरे कमरे में लगा ही रहता है। मैं पहले ही 2 बार लद्दाख जा चुका हूँ, सचपास और स्पीति भी कर चुका हूँ। दोस्तों मैं भी लद्दाख का उतना ही बड़ा फैन हूँ जितना आप। मैं आपको जो जानकारी दूंगा दोस्तों वो आपके बहुत काम आएगी, और आपको ये लद्दाख राइड इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। तो दोस्तों लद्दाख से रिलेटेड जो मैं सोचता हूँ ना वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर आपकी तैयारी पूरी है ना तो आपकी प्रॉब्लम्स भी फन बन जाती है। तो तैयारी करके जाओ, लद्दाख राइड को इंजॉय करो, और वो तैयारी करवाऊंगा मैं आपके लिए। बना रखा है मैप और कर रखी है पूरी तैयारी, मैंने निकाल रखा अपना पूरा सामान। ये है मेरा छोटा सा रूम, और को लगेज कौन सा ले जाना है, कैसे ले जाना है, किस टाइप के बैग्स में ले जाना है, टूल किट वगैरह, कितने टूल्स ले जाना है, गाड़ी की सर्विस, स्टे, फूड, रोड मैप, किलोमीटर्स, कैंपिंग, कैसे कैसे इक्विपमेंट आपको ले आने होंगे, हर चीज की जानकारी मैं आपको इस सीरीज में दूंगा। लद्दाख सीरीज ये है पहला वीडियो आपके सामने रिलेटेड टू लद्दाख। जो पहली बार जा रहे हैं उनको काफी सवाल होते हैं मन में, कौन सी चीज कहाँ होती, क्या होती, कुछ पता नहीं होता। मैं आपको इसमें बताऊंगा, काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं मैप पर। हेलो दोस्तों, आपके लिए ले आया हूँ जानकारी लद्दाख की। लद्दाख जाने के लिए सबसे पहले लद्दाख को समझना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह कहाँ है। आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, आपने बहुत सी जगह देखी होती है उसके ऊपर, पुगा वैली, नुब्रा, जोजिला, खारदुंगला और दो पीठ वाले कुबड़ वाले ऊँट मिलते हैं वो जगह, जहाँ रेत के टीले, हुंडार जहाँ पे बुद्ध भगवान की खूबसूरत सी रंग बिरंगी स्टेचू है आसमान छूती वो जगह दिशकीद, उसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर का जाने का जो बेस कैंप पे ओपी बाबा श्राइन वो किधर है, फिर हॉट वाटर स्प्रिंग मिलता है जो पुगा वैली शानदार सी वो कहाँ है, उमलिंगला कहाँ आता है, जोजिला कहाँ आता है, खारदुंगला कहाँ आता है, चांगला, इतने सारे पासेस है वो सब कहाँ कहाँ कहाँ। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि भाई स्पीति सर्किट भी होता है, लद्दाख से भी ज़्यादा खूबसूरत, लद्दाख से ज़्यादा खतरनाक है लाहौल स्पीति जो कहलाते हैं। फिर जंस्कार भी आपके माइंड में आता होगा कि यार जहाँ पे गोम्बो रंगजुन नाम का सेल्फ मेड स्तूपा है, फिर शिंकुला पास जहाँ से लद्दाख और हिमाचल की बॉर्डर निकलती है, उसके अलावा पदुम आज भी जो पुराने जमाने के पेट्रोल पंप है जहाँ पे हाथ से पेट्रोल भरा जाता है वह जगह, वो सब कहाँ है वो सब आपको यहाँ बताऊँगा, क्योंकि ये सब जानना वाकई बेहद ज़रूरी है आपके लद्दाख जाने से पहले। तो आइए आपको बताता हूँ लद्दाख सर्किट, लद्दाख की लैंग्वेज और लद्दाख में क्या क्या कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले लद्दाख की लैंग्वेज बताता हूँ। ला, ला मतलब होता है पास, जोजी ला, खारदुंग ला, तागलांग ला, चांगला, ला मतलब होता है पास, दर्रा, और तसो, TSO, तसो मतलब होता है लेक, जैसे पेंगोंग तसो, तसो मोरीरी, तसो कियागर, तसो कर, है ना, आते हैं सर्किट पर। दो तरह के सर्किट होते हैं दोस्तों, लद्दाख सर्किट, स्पीति सर्किट। यह पूरा मैप लद्दाख स्पीति दोनों इंक्लूड है इसके अंदर। स्पीति जो है वो लद्दाख से छोटा है और नीचे है, हिमाचल में आता है स्पीति। दोस्तों लद्दाख का जो सर्किट स्टार्ट होता है वो होता है दिल्ली से दिल्ली, और बीच में आता है चंडीगढ़ जहाँ से रास्ते अलग हो जाते हैं। चंडीगढ़ ही वह जगह है जहाँ आकर दोनों रास्ते वापस मिलते हैं, पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। लेकिन दिल्ली से इसलिए करते हैं क्योंकि दिल्ली में सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है। अगर आपकी कोई तैयारी नहीं है तो दिल्ली में आप 2 दिन रुककर भी लद्दाख की सारी तैयारी कर सकते हैं। लद्दाख के लिए लगवाना हो, अपने लिए राइडिंग गियर्स लेने हो, सैडल बैग्स लेने हो, टैंक बैग लेना हो, या कैंपिंग का सामान लेना हो, वो सभी कुछ दिल्ली में इजीली मिल जाता है। एक ही दिन में आप सारी शॉपिंग कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग दिल्ली को प्रीफर करते हैं और दिल्ली से ही सर्किट स्टार्ट होता है। दिल्ली से लद्दाख का सर्किट
3000 से लेके 3500 किलोमीटर का पड़ता है। आप कहाँ कहाँ जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है दूरी। जो स्पीति सर्किट होता है वो होता है मनाली से शिमला, और वो 450 किलोमीटर का सर्किट होता है। दिल्ली से स्टार्ट होता है चंडीगढ़ होते हुए श्रीनगर, श्रीनगर से लेह, लेह से मनाली होते हुए वापस चंडीगढ़ दिल्ली आना, यह है पूरा एक लद्दाख सर्किट। समझ गया? श्रीनगर, लेह, मनाली, चंडीगढ़, लद्दाख सर्किट, और यहीं पर बीच में यहाँ मनाली है, और मनाली से ही आप जो नीचे आते हैं यह है स्पीति। अब आपके मन में आता है सवाल कि यार जंस्कार किधर आता है, फिर सचपास आपने नाम सुना होगा, फिर किलार किश्तवर जो दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क है वो कहाँ है, वो भी यहीं है इसी मैप में। यह जो आप देख रहे हैं यह है जंस्कार, और यह जो रास्ता दिख रहा है आपको यह है पांगी वैली। ये पांगी वैली ही सचपास है। पठानकोट से किलार, यहाँ पे है किश्तवर, यहाँ पे है पटनी टॉप, पटनी टॉप से सीधा रास्ता आता है टांडी। मनाली से 30-35 किलोमीटर ऊपर आता है टांडी, जहाँ पर वो फेमस बोर्ड लगा है 365 किलोमीटर आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, वो बोर्ड यहीं टांडी में पेट्रोल पंप पे लगा है। जब आप चंडीगढ़ से ऊपर चलते हैं तो पठानकोट आता है, पठानकोट से किलार जाते हैं तो यहाँ बीच में आता है सचपास। पठानकोट से सचपास करते समय यहाँ बीच में आपको डलहौजी, खजियार, चंबा जैसे शहर आते हैं। चंबा से 120-130 किलोमीटर ऊपर है सचपास, सचपास से 45 किलोमीटर है किलार। किलार से जब ऊपर जाते हैं यहाँ यह जगह है किश्तवर, और किलार किश्तवर यही वो रोड है जो दुनिया की सबसे खतरनाक रोड कहलाती है, वैसे सचपास भी इसमें आता है। तो इतना जो एरिया है यह पांगी वैली का एरिया दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क कहलाता है। यह शॉर्टकट है लेह मनाली हाईवे पे जाने के लिए। चंबा से लगभग 50 किलोमीटर पक्का बना, उसके बाद में कच्चा है पूरा। इसका ज़्यादातर आर्मी और लोकल यूज़ करते हैं जल्दी से जल्दी लद्दाख पहुँचने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें लद्दाख जाना है तो या तो श्रीनगर होके जाना पड़ेगा या फिर नीचे चंडीगढ़ मनाली होके जाना पड़ेगा। पठानकोट से सीधा रास्ता है एंड पटनी टॉप से भी सीधा रास्ता है टांडी पहुँचने का। ये टांडी आता है लेह मनाली हाईवे पर। ठीक दोस्तों, ये है जंस्कार। जंस्कार शुरू होता है यहाँ पर दारचा से, यहाँ ऊपर है श्रीनगर लेह हाईवे पर कारगिल, कारगिल से बीच में पड़ता है पदुम। यही दारचा से पदुम और कारगिल यह एक रास्ता है, और पदुम से यहाँ निम्मो नाम की जगह पर निकलता रास्ता, जहाँ पर सिंधु रिवर से जब जंस्कार का संगम है निम्मो, वहीं पर निकलता है पदुम से निम्मो का रास्ता। यह जंस्कार वैली कहलाती है। यहाँ पर बीच में शिंकुला है इस जगह पर, और यहाँ पर गोम्बो रंगजोन है, पूर्णे नाम की जगह है। यहाँ से 5 किलोमीटर उधर पड़ती है फुतकल मॉनेस्ट्री। यहाँ ऊपर आते हैं तो यहाँ पे पेंजिला पास है, यहाँ से सीधे जाएंगे यहाँ पे लिंगशेड मॉनेस्ट्री है, और इस रास्ते पर 4 से ज़्यादा पासेस आते हैं दोस्तों। यह है जंस्कार, इतना ये लद्दाख में आता है। यह है सचपास, यह हिमाचल में आता है। यह अगर आप क्लियर हो गया तो मैं इसको मिटाना चाहूँगा ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे। तो दोस्तों आई होप आपको जंस्कार और सचपास क्लियर हो गया होगा, साथ में स्पीति भी क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हम हमारे लेह लद्दाख हाईवे पर। लेह लद्दाख यह पूरा लेह सर्किट है। कौन सा? चंडीगढ़, श्रीनगर, कारगिल, लेह, मनाली और चंडीगढ़। यहाँ ऊपर चलते हैं, चंडीगढ़ के बाद में लुधियाना, जालंधर, पठानकोट आता है। अगर आपको अमृतसर जाना है तो आपको जालंधर से इधर जाना पड़ेगा अमृतसर, फिर वापस पठानकोट आना पड़ता है। पठानकोट क्रॉस करते ही यहाँ पर लखनपुर बॉर्डर, जो कि बॉर्डर है जम्मू कश्मीर और पंजाब की, यहाँ लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करते ही आप जम्मू कश्मीर में एंटर कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको उधमपुर आएगा। आप चाहे तो सांबा से, मतलब जम्मू से थोड़ा पहले सांबा से सीधा उधमपुर जा सकते हैं, इससे आपके 60 किलोमीटर और बचेंगे अगर आप जम्मू नहीं जाना चाहते हैं तो, क्योंकि जम्मू के लिए भी एक तरफ जाना पड़ता है। आप सांबा से सीधा उधमपुर जा सकते। फिर ऊपर आते हैं, यहाँ पर आती है चेनानी टनल, जो कि पटनी टॉप को बाईपास कर दिया गया एक्चुअली सीधा बिल्कुल। पटनी टॉप ऐसा गोल में जाना पड़ता है, 45 मिनट एक्स्ट्रा लगता है अगर आप पटनी टॉप होके जाते हैं तो। वो ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है बजाय चेनानी टनल के। चेनानी टनल, क्योंकि टनल्स बहुत सारी मिलेगी आपको, यहाँ चेनानी है, आगे गाजीकुंड है, जवाहर टनल है, यहाँ अटल टनल है, तो इतनी टनल को करेंगे क्या देख के। तो एक चेनानी टनल आप स्किप कर सकते हैं, आप पटनी टॉप से जा सकते हैं। पटनी टॉप पार किया, यहाँ ऊपर आता है रामबन, रामबन के बाद में गाजीकुंड वगैरह सब आने के बाद यहाँ आता है श्रीनगर। डल लेक यहीं पर है जहाँ पे शिकारे से डल लेक की यात्रा की जाती है और हाउस बोट में स्टे कर सकते हैं। आगे चलते हैं आप, सोनमर्ग आता है लगभग 80 किलोमीटर श्रीनगर से। सोनमर्ग में ही फजवास ग्लेशियर ट्रैक है,
जहाँ कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, बहुत सारी फिल्मों की। सोनमर्ग से 6 किलोमीटर आगे आता है बालटाल, जहाँ से बाबा अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ से 10 किलोमीटर है बाबा अमरनाथ। आगे 10 किलोमीटर पे आता है जोजिला पास, पहला पास जोजिला पास। जोजिला पास बॉर्डर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। जोजिला क्रॉस करते ही आप लद्दाख में एंटर कर जाते हैं। थोड़ा सा आगे द्रास आता है, द्रास में ही है कारगिल वॉर मेमोरियल। कारगिल वॉर मेमोरियल से कारगिल की दूरी 50 किलोमीटर है। कारगिल सिटी में वेज खाना कम मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मुलबेक में, जो कि 30 किलोमीटर आगे है कारगिल से। यहाँ पे पहाड़ के अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। मुलबेक से 10-12 किलोमीटर आगे आता है नामिकला। आगे 25 किलोमीटर पे आता है इनविजिबल विलेज। इसके बाद में आता है फोटुला, जो कि इनविजिबल विलेज से 12-15 किलोमीटर है। नामिकला और फोटुला के बीच में इनविजिबल विलेज और हेरिटेज बिल्डिंग, बहुत अच्छा है, देखने का लायक है। 15 किलोमीटर पे आती है लेमायरू मोनेस्ट्री, मजा आता है वहाँ की, जो वाइब्स है ना वो बहुत अच्छी आती है। लेमायरू मोनेस्ट्री से 82 किलोमीटर आगे आता है निम्मो, जहाँ पे संगम है जंस्कार और सिंधु नदी का। यहीं से आगे आप जाते हैं 5-6 किलोमीटर पे आता है मैग्नेटिक हिल, इसी जगह पर। यहीं से 5-6 किलोमीटर पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जहाँ राक्षस ने बाबा नानक देव पर पत्थर फेंका था तो वो मोम का बन गया था, और उस पत्थर के अंदर बाबा नानक देव की आकृति छप गई थी, वो अभी भी है। बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ आप चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, लंगर चलता रहता है। वहाँ की वाइब्स आपकी मन और तन दोनों से रिफ्रेश कर देगी। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 25-26 किलोमीटर पड़ता है लेह। लेह में 2 दिन रुकने का सभी बोलते हैं, क्योंकि एक्लोमेटाइज होना पड़ता है, हाइट पे आ चुके होते हैं आप लेह में, लेकिन इससे आगे आप बहुत ज़्यादा हाइट पे जा रहे होते हैं दोस्तों, तो लेह आके 2 दिन रुकना होता है। 2 दिन में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेह पैलेस घूम सकते हैं, शांति स्तूपा घूम सकते हैं, 3 इडियट्स स्कूल, शेह मोनेस्ट्री, इस्तकना मोनेस्ट्री वगैरह, ये सब आप घूम सकते हैं। लेह से अगर आप चाहें तो सीधा मनाली आ सकते हैं। आपके पास कहीं की भी किराए की गाड़ी हो चल जाएगी, सीधा मनाली आ जाइए, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेह से अगर आप सीधा मनाली जाते हैं, आपको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको परमिट लेना पड़ेगा आसपास की जगह घूमने के लिए। परमिट लेना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेह से ऊपर आता है खारदुंगला। खारदुंगला से आता है यहाँ पे नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में ही है यहाँ पर दिशकित और हुंडार। दिशकित में वह प्रसिद्ध बुद्ध भगवान की मूर्ति आसमान छूती हुई, रंग बिरंगी, कलरफुल, बहुत खूबसूरत। वहीं से हुंडार दिखता है, 8-10 किलोमीटर हुंडार में ही है 2 कुबड़ वाले ऊंट और रेत के टीले, जो कि श्योक रिवर का किनारा किनारा है। यहाँ पे कैंपिंग करने का अपना अलग ही मजा है दोस्तों। यहीं से आप सीधे जाते हैं तुरतुक। तुरतुक 1971 तक पाकिस्तान में था, बाद में इंडिया में आ गया। वहाँ पे आज भी लोगों ने पुराने सामान को, पुरानी यादों को, पाकिस्तान की यादों को सहेज के रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा शांतिप्रिय गांव है, वहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर भी दिखती है। तुरतुक से आगे एक गांव है, वहाँ पर वापस आते हैं, आप ऊपर की तरफ जाते हैं, यही है सियाचिन ग्लेशियर रोड। ये सियाचिन ग्लेशियर है, आप जा सकते हैं सिर्फ सियाचिन बेस कैंप तक, जो कि ओपी बाबा श्राइन के नाम से फेमस है। बीच में आपको मिलेगा पनामिक, जहां पर है हॉट वाटर स्प्रिंग, नेचुरल हॉट वाटर, जमीन से निकलता है पानी फव्वारे के रूप में। अगर आपको पेंगोंग लेक जाना है तो यह है पेंगोंग लेक। इसके 2 रास्ते हैं दोस्तों, आप यहाँ से लेह होते हुए वापस पेंगोंग आ सकते हैं, जिसके बीच में आपको यहाँ पर मिलेगा चांगला पास, या फिर आप श्योक रिवर के रास्ते सीधे पेंगोंग जा सकते हैं, छोटा पड़ता है, साथ ही साथ यह बहुत खूबसूरत भी है। यहीं पर जब पेंगोंग से आप हानले जाते हैं तो पेंगोंग के 40 किलोमीटर नियर रोड पड़ती है, जो कि चुशुल पे ख़त्म होती है। यह रास्ता है किनारे पे, बिल्कुल ऑफ रोड है, शानदार वाला। हानले यहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी। यहीं से 90 किलोमीटर आगे बढ़ता है उमलिंगला पास। खारदुंगला को हाईएस्ट मोटरेबल पास को फेल करके अब ये हाईएस्ट मोटरेबल पास बन गया है उमलिंगला। देन हानले से आप वापस आते हैं इस जगह पर, तो दोस्तों यह लगभग 100 किलोमीटर डायमीटर का एरिया होगा, और इतने एरिया में 6 लेक्स है, 6 लेक्स। यहाँ पे तसो मोरीरी पूगा लेक, यहाँ पर तसो क्यागर, यहाँ पर तसोकर, यहाँ पर तसो स्टार्सुक, यहाँ पर, और यहाँ पे याये लेक, YAYE याये लेक यहाँ पर है, जो कि माहे से चुशुल के रास्ते पर है। यह रास्ता छोटा पड़ता है 67 किलोमीटर का, यहाँ से आएंगे तो 100-150 किलोमीटर का पड़ेगा, यह रास्ता बहुत छोटा पड़ता है। देखिए 6 लेक यहीं के ही है, और
पनामी जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है, नेचुरल वाटर निकलता है, वह चीज यहाँ पर भी है पुगा वैली में। ये पुगा वैली बहुत ग्रीन वैली है, आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे टीले बने हुए ग्रीन के, लोग उनके ऊपर कूदते हैं जिनके बीच में पानी बह रहा होता है। यह वही जगह है पुगा वैली, पूजा हो रही है। हानले से हम जब वापस आते हैं तो लेह मनाली हाईवे पर, यहाँ पर था डेबरिंग या मेरू, यह वो जॉइंट है जहाँ हानले वाली सड़क जो है यह रास्ता निकलता है लेह मनाली हाईवे पर। यहीं से जब ऊपर जाते हैं थोड़ा सा ऊपर 14-15 किलोमीटर पे तागलांगला पास है, इस जगह पर नीचे आते हैं तो यहाँ है पांग, पांग के जस्ट बाद में आएगा लाचुंगला, लाचुंगला के बाद में आपको मिलेगा विस्की नाला, विस्की नाला के जस्ट नीचे आपको मिलेगा नकीलापा, नकीला से आप नीचे उतरेंगे तो घाटा लूप्स, घाटा लूप्स से जस्ट पार करेंगे तो सरचू का रेत का जो जगह है ना, यहाँ पर बहुत धूल है, गाड़ियों पर धूल चढ़ जाती है, वह जगह यहाँ पर आती है सरचू, जो कि एक्चुअल में बॉर्डर भी है लद्दाख हिमाचल की। ये रही बॉर्डर, लगभग 102 किलोमीटर चले हैं हम केलांग से, और 102 किलोमीटर चलने के बाद में ये आई है बॉर्डर, इसके उस पार है लद्दाख और इस तरफ है लाहौल स्पीति। अब हम इंटर करने वाले हैं लद्दाख में, यहाँ से तांगलांगला पास 156 किलोमीटर, पांग 88 किलोमीटर, ले है सिर्फ और सिर्फ 252 किलोमीटर। सरचू से नीचे 100 किलोमीटर पे है, 102 किलोमीटर पे केलांग, जो कि एक बहुत बड़ी सिटी जैसा है, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, बस स्टैंड, मेडिकल वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके बीच में सरचू से केलांग के बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे बारलाशला पास हो गया, दारचा, दारचा जहाँ से संस्कार का रास्ता निकलता है कारगिल का, वह भी दारचा यहीं पर है। केलांग से 9 किलोमीटर नीचे आते हैं तो मिलता है तांडी, तांडी वह जगह है जहाँ सचपास का रास्ता खुलता है पठानकोट और जो होके जाता है, यह सचपास किलार किश्तवर का रास्ता, तांडी 9 किलोमीटर नीचे यहीं पर पेट्रोल पंप है। यहाँ से मनाली आप नीचे आते हैं तो बीच में आता है सिसु, जो कि अटल टनल से नीचे आता है सिसु, जो कि अटल टनल से 7 किलोमीटर पहले है। सिसु में दोनों तरफ चिनार के बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, बस वो 1 किलोमीटर का एरिया है और बहुत खूबसूरत एरिया है, लोग वहाँ जरूर रुकते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। इस जगह पे अटल टनल है दोस्तों, अगर आप अटल टनल नहीं जाना चाहते हो, मनाली जाना चाहते हैं, जो कि इस जगह पर है मनाली, सिसु से मनाली के बीच में है अटल टनल, अगर आप अटल टनल नहीं जाना चाहते तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलेगा रोहतांग पास, यह पड़ेगा लगभग 70 किलोमीटर का, लेकिन अगर आप अटल टनल से जाते हैं तो सिर्फ 33 किलोमीटर में आप मनाली पहुँच जाएंगे। रोहतांग पास वाली रास्ते पर निकलता है यहाँ पे ग्रम्फू नाम की जगह, जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे दुकान वकान सिर्फ रास्ता है ऐसा खाली, जिसमें नीचे ऊपर जाएंगे तो रोहतांग आएगा और नीचे जाएंगे तो आएगा स्पीति का रोड, ये स्पीति वाला रोड, जी हाँ स्पीति सर्किट, जो कि मनाली से स्टार्ट होकर शिमला पे ख़त्म होता है, ये 500 किलोमीटर का एरिया है और स्पीति लद्दाख से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा कठिन है। चलिए आते हैं मनाली पे, मनाली के नीचे आएगा कुल्लू 40 किलोमीटर्स पे, उसके नीचे 10-12 किलोमीटर पे आता है भुंतर, भुंतर में अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो 30 किलोमीटर पे आएगा कसोल, और उससे आगे 5-10 किलोमीटर पे आएगा मणिकर्ण, और उससे आगे 22 किलोमीटर पे खीरगंगा ट्रैक आता है। कसोल मणिकर्ण कहाँ आता है, भुंतर में, और यह जगह हिमाचल है। यहाँ से आप नीचे आएंगे मंडी आएगा, मंडी से नीचे सुंदरनगर वगैरह होते हुए आप पहुँच जाते हैं चंडीगढ़। अब दोस्तों आपको बताता हूँ बॉर्डर्स, जोजिला पास से होकर यहाँ शिंकुला होते हुए सरचू से होते हुए यह बॉर्डर जाती है, यह है लद्दाख, यहाँ जोजिला से ही जो पठानकोट होते हुए जाती है यह है जम्मू एंड कश्मीर, मतलब यह एरिया जम्मू एंड कश्मीर है, यह एरिया लद्दाख है, यहाँ से नीचे का यह एरिया है पंजाब, और यह है पूरा हिमाचल प्रदेश, यह एरिया है हिमाचल, यह है पंजाब, यह है जम्मू एंड कश्मीर, और यह है लद्दाख। जितना मैं समझा सकता था आई थिंक आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, कौन सी जगह कहाँ पर है, मैंने मेन मेन सभी जगह आपको बता दी है, और फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें जवाब जरूर दूंगा, या फिर आप मुझे
फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करेंगे, डीएम करेंगे, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको टूल्स वगैरह की जानकारी दे दूंगा या फिर टेंट वगैरह की जानकारी, आप कौन सा वीडियो आता है वो देखते हैं। तो ये पूरी लद्दाख की सीरीज रहेगी, प्रिपरेशन सीरीज रहेगी, इसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सभी कुछ आपको जानकारी मिलेगी इन्हीं इसी वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो सोनू इंदौरी, बाय बाय।